Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number one o eight, and we are going to talk about teaching smart people how to learn idea in practice. As we have talked about teaching smart people how to learn idea in brief, that the people are there with their own defenses, and the organizations are there with their own defenses. Or the tamam masla tabhi hal ho payega, tamam defenses tabhi overcome ho sakenge when we are there to share. अब डेटा शेयर करने के लिए याद रखिएगा कि देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच वी हैव टू बियर इन माइंड फॉर एग्जाम्पल पीपल थिंक दैट दे आर रेडी फॉर एनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसम दे आर रेडी फॉर एनी लर्निंग गेम लेकिन दरअसल देर आर सर्टेन थिंग्स विच दे फॉर गेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पीपल हैव डिजायर टू रिमेन इन हैल कंट्रोल वो नहीं चाहते कि मल्टीपल प्रस्पेक्टिव में उनको देखा समझा और जाना जाए

लोगों के मुस्बत अंदाज को प्रमोट करने के लिए नो डाउट द रोल ऑफ लीडर इज ऑलवेज देयर ऑलवेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पीपल हैव द डिजायर टू अपियर एज रैशनल एज पॉसिबल वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी लॉजिक्स एंड रीजंस को वो डेमोन्स्ट्रेट करें लेकिन अक्सर औकात लॉजिक्स एंड रीजंस ना मिलने के बावजूद भी दे आर ट्राइंग टू बी लाइक अ रैशनल पर्सन बिकॉज दे डोंट वांट टू कि उनके बहुत से फैसले अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के तहत वो अकर कर रहे हैं अर फॉर रिमेंबर ये सब मामला हमारे साथ क्यों होते हैं बिकॉज पीपल हैव नेचुरल फियर ऑफ फेलियर हर कोई नाकामी से बचना चाहता है और उस नाकामी से बचने के लिए वो हर उस कोशिश में मुबतला हो जाता है जिससे कि वो अपने आप को डिफेंड वो कर सके और ये एक नेचुरल फिनोमिना है ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो इंप्लाइज के साथ एसोसिएटेड है ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स एंड मेंबर्स हमें इस बात को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दैट इज ए नेचुरल एंड नॉर्मल फिनोमिना दैट पीपल आर गेटिंग नाउ रिमेंबर व्हेन पीपल आर गेटिंग डिफेंसिव तो हमें उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है उस पैटर्न ऑफ बिहेवियर में वी हैव टू अप्लाई द सेम काइंड ऑफ टफ रीजनिंग विद एवरी हर कोई रीजन एंड लॉजिक बेस्ड एविडेंस बेस्ड फिनोमिनाज के ऊपर बात करे शख्स डेमोस्ट्रेट करे कि कब कहां क्यों कैसे उसको क्या चीज अचीव करनी है और वो कैसे अचीव करेगा सेकेंडली कलेक्ट द मोस्ट ऑब्जेक्टिव डेटा बिकॉज ऑब्जेक्टिव डेटा को मैयर करना और ऑब्जेक्टिव डेटा को इंप्लीमेंट करना हमारे लिए आसान होता है थर्डली मेक इन टेस्ट एक्सप्लिसम कॉन्स्टेंटली ताकि हम कोई भी ऐसी बात ना करें कोई भी ऐसा डायलॉग ना करें जिस डायलॉग की बुनियाद हमारे पास अवेलेबल ना हो तो वी शुड बी कमिंग अप विद विद कंक्रीट आउटकम्स, राइट एक्शन प्लान ताकि लोग बेहतर तौर अपने काम को अंजाम दे सकें एंड देन मेक श्योर टू रिमेन आउट ऑफ बायस बिकॉज अगर हम अपने फेवरेटिज्म को ओवरकम कर सकेंगे तो तभी हम लोगों की ट्रू कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर वो कर सकते हैं अब ये सारा काम करेगा कौन उसके लिए याद रखिएगा कि देर इज द रोल ऑफ द लीडर एंड पर्टिकुलरली द टॉप मैनेजमेंट ड के टॉप मैनेजमेंट पर्सनल वैल्यूज आर एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से वैल्यू सिस्टम है जिन वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर रही है उन वैल्यूज का सोर्स क्या है और उन वैल्यूज की डिमोन्स्ट्रेशन वो कैसे की जा रही है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड है कि वन लीडरशिप इज विलिंग एंड रेडी फॉर क्रिटिसिजम इट वुड बी इजी टू इंप्लीमेंट द थिंग्स सो so, क्रिटिसिज्म की बुनियाद सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट से शुरू होगी कि जो वेलकम करें एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को सो दैट दे दे शुड बी बी करेक्टिंग बिकॉज आर गोइंग टू द रोल मॉडल्स और जब तक हम उन रोल मॉडल्स को अपग्रेड अपडेट नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्चर भी वैसा डेवेलप वो नहीं कर सकेगा डियर स्टूडेंट्स अगर हमें सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म 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 वो यूज़ करें। फॉर द द सेक ऑफ़ इज़ नॉट राइट वे हमें कंस्ट्रक्टिव पैटर्न के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करना है और सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को इस बात का ख्याल रखना है कि उनकी वैल्यूज आर गोइंग टू बी द वैल्यूज फॉलोड बाई द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थैंक यू